हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस। और हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको ऑडिट करने की कोशिश की थी। तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पहुँच गए थे और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमने जाना था कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, सिस्टम के रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करेंगे और उसमें मॉडलिंग का यूज़ करेंगे और चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो किस तरीके से एक स्टैंडर्ड कोविड के अनुसार डिलीवरी एंड सपोर्ट स्टैंडर्ड्स के अनुसार किस तरीके से हम ऑडिट करेंगे। तो अब हम बजट्स पर, अगला टॉपिक हमारा जो स्टडी में दिया हुआ बजट्स दिया है। तो बजट्स क्या करते हैं, फोरकास्टिंग, मॉनिटरिंग और एनालाइजिंग में हेल्प करते हैं। तो ये देखते हैं कि एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ फंड्स है कि नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट के लिए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, कॉस्ट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉस्ट कंट्रोल की जाए। तो अगर बजट्स के अनुसार काम हो रहा है तो इसका मतलब एक लेवल ऑफ कंट्रोल है। दूसरा, यूज़र सेटिस्फैक्शन हमारी स्टडी में दिया हुआ है। तो यूज़र सेटिस्फैक्शन में क्या है कि यूज़र सेटिस्फैक्शन को फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो यूजर सेटिस्फैक्शन जो है, लेकिन जो है सिस्टम की सक्सेस के साथ लिंक्ड है। अगर मान लिया सपोज कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो तभी सेटिस्फाइड होगा कि सिस्टम एक पर्टिकुलर लेवल तक काम कर रहा होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सर्विस जो डिलीवर की गई आईटी फंक्शंस के द्वारा, अगर मान लिया सपोज हैं तो जो भी सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं, आईटी फंक्शंस जो भी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, उसका एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर से एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई शॉर्टफॉल है सर्विस लेवल्स में उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ऑडिट करेंगे तो हम ये चीज़ पर्टिकुलर देखेंगे। हम इंटरव्यू ले सकते हैं लोगों का और फीडबैक्स ले सकते हैं और ये देख सकते हैं सर्विस लेवल्स में क्या शॉर्टफॉल्स हैं। तो उससे बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर शॉर्टफॉल्स हैं और उन शॉर्टफॉल्स का मतलब ये है कि यहाँ यहाँ, और वो शॉर्टफॉल्स ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल पर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बता सकते हैं। तो की एरियाज होते हैं यूज़र सेटिस्फैक्शन के, वो हम मेजर करेंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर आई टी इन्वेस्टमेंट हमने एक पर्टिकुलर किया है तो वो बेनिफिट को एक्सीड कर रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यूज़र सेटिस्फैक्शन का क्या लेवल आ रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट होने के बाद यूज़र सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है कि क्या है, मतलब एक फीडबैक ले सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है हम यूज़र को बता सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है तो ये इससे आप सेटिस्फाइड हो, नॉन सेटिस्फाइड हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या शॉर्टफॉल्स हैं, क्या आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्टिकुलर सिस्टम से, और उसको हम उससे हम ये पता कर सकते हैं कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो यूज़र है अगर वो सेटिस्फाइड है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर उस पर हम देखेंगे। तो अगर मान लीजिए सपोज़ कोई इंस्टॉलेशन है या मालूम पड़ा कोई नई चीज़ का इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें यूज़र सेटिस्फैक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नई टेक्नोलॉजी को रोल आउट कर रहे हैं उस समय यूज़र सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज़ बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर हेल्प डेस्क लगा लीजिए, वहाँ पर ये देखिए कि यूज़र सेटिस्फैक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है नए आईटी सिस्टम्स के इंस्टॉल होने के बाद। उसके बाद हमारी स्टडी कैपेसिटी और ग्रोथ प्लानिंग के बारे में कहती है। कैपेसिटी और ग्रोथ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी की नीड्स को हमें कंटिन्यूसली असेस करना पड़ेगा और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए कि आज की डेट के में जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो कहीं कैपेसिटी एक कंस्ट्रेंट तो नहीं है, और फ्यूचर नीड्स क्या रहेंगी, फ्यूचर कैपेसिटी नीड्स क्या रहेंगी, ग्रोथ प्लानिंग क्या है, उसी के अनुसार सिस्टम ऐड किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, आईटी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा हमारी स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में कहती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेगी, वो देखेगी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमारी स्टडी कहती है यूज़र पीएस स्कीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लिया सपोज़ कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज को कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। ये अगर मान लिया सपोज़ एक टाइम बेस्ड एलोकेशन कर सकते हैं उसकी कॉस्ट का। तो एक पर्टिकुलर, हमने देखा कि पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर सर्वर को यूज़ करते हैं
तो उसमें कितने बंदे यूज़ करते हैं, तो उनकी कॉस्ट को हम एलोकेट कर सकते हैं वहाँ पर जित टाइम के अनुसार। तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर सर्वर को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कम यूज़ कर रहा है, और उसी बेसिस पर कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। तो ये यूज़र पे स्कीम होती है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्विस लेवल एग्रीमेंट से कंप्लायंस। हमें जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो पीरियडिकली ऑडिट करना चाहिए उसका है कि ये सर्विस लेवल कंप्लायंस हो रही कि नहीं हो रही है। अगर मान लिया सपोज SLEs हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, तो सर्विस लेवल किसी पार्टी के साथ हमारे सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, तो वो पार्टी हमें वो सर्विसेज दे रही कि नहीं दे रही है। तो यूज़र्स को इंटरव्यू करेंगे, उनको सर्वे करेंगे, तो उनसे पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारी स्टडी वर्कलोड के बारे में कहती है। तो वर्कलोड क्या है, बेसिकली एक सिस्टम वर्कलोड का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स बनती है वर्कलोड की। उसमें है कि कितने क्या जॉब्स हैं और क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो एक एक्सेस होता है क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कितनी उनकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, और दूसरा होता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, तो कौन कौन से जॉब्स हैं सॉरी। तो वो जो जॉब्स हैं, अगर मान लीजिए सपोज एक सुबह के टाइम पर ज़्यादा जॉब्स होते हैं, तो कितने रिसोर्स की कितने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो। मॉर्निंग में लोग आते हैं सपोज, उस टाइम पर लोग ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करते हैं, या मिडिल डे में कोई पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पर ज़्यादा जॉब्स होते हैं, तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो वो सिस्टम की परफॉर्मेंस से हमें उसे बेंचमार्क करना पड़ेगा कि भाई आइडियल कंडीशन से कितना डेविएशन है, और उसी के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑप्टिम यूटिलाइजेशन है कि नहीं है। दूसरा, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि चीज़ों को प्रोसेस को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, प्रोसेस की रीइंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन है, तो एयरलाइन टिकट बेचती है, वहाँ से उसकी रेवेन्यू आती है। तो जनरली आदमी कहता है कि टिकट, उसको ये देखता है कि कितने टिकट बिके, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं देखना है। हमें ये देखना है उसका सर्विस ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो कितने जो प्रोसेस ऑफ एयरलाइन जो होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एयरलाइन विल नॉट बी अबाउट सेलिंग टिकट्स, टिकट्स बेचना वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पर ये होगा कि कितने आदमी को कितनी सुविधा के अनुसार आपने डेस्टिनेशन में मूव आउट किया। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स को अबेंडन कर रहे हैं, लेकिन बल्कि ये देखेंगे कि आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देखेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और आप देखेंगे कि कस्टमर को आप वैल्यू डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग होती है। तो इस अगर मान लिया नया IT सिस्टम लगा है, तो ये एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप ये देख सकते हो कि वो गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने के लिए वहाँ पर कितना बिजनेस प्रोसेसेस रीइंजीनियरिंग का यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो ऑडिटर को ऑडिट करते समय पता होनी चाहिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें तो ये हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप जैसी कंपनी है जहाँ पर लोग कम हैं, जहाँ पर 50 लोग हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो उन कंपनीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें समझ में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जाएंगे और अगर हम वहाँ पर अपनी ओपिनियन दे रहे होंगे, तो ओपिनियन देते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और उनको वैल्यू ऐड दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं, उनके ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट के बारे में ही नहीं, हम उन्हें बता सकते हैं किस तरह से गोल्स को एफिशिएंटली वो मीट आउट कर सकते हैं, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्हें मीट आउट करने में हेल्प करेगी, और पर्टिकुलर सिस्टम्स में क्या डिफिशियंसी है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, ये सब हम बता सकते हैं। और इतना ही नहीं, बाकी और चीज़ भी बता सकते हैं। अगर सिस्टम IT सिस्टम्स के अलावा अदर सिस्टम्स में क्या एफिशिएंसी आई, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम मीट आउट कर सकते हैं। तो की सिस्टम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में जो लास्ट स्टैंडर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या पता। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड है जो सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, जो प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करते हैं, या बेसिकली अगर IT सिस्टम्स के प्रस्पेक्टिव में देखा जाए, डेटा प्रोसेसिंग टास्क को डिफाइन करने के सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स
जो उन सिस्टम्स को डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, उन प्रोसीजर्स को करते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या है कि हमें ये हेल्प करेगा कि भाई पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, और ये भी हेल्प करेगा, ये समझने में हेल्प करेगा कि डेटा प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, कौन से लॉजिक्स कंप्यूटर प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज डॉक्यूमेंटेशन है और फिर हम किसी के पास बैठते हैं, तो वो हमें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसका मतलब यह है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है, तो परमानेंट रिकॉर्ड है, रिटर्न रिकॉर्ड है सिस्टम फंक्शंस के। तो ये हमें बताएंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक काम कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा, हम उससे देख सकते हैं उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है लोगों को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो लोगों को पता रहेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें SOPs बनता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs वो प्रोसीजर्स बताता है कि जो किसी बंदे को, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स है या एम्प्लॉई है, वो जो काम कर रहा है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें वो किस तरीके से काम करेगा, तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये बताते हैं। तो मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट एक कंटिन्यूइंग फंक्शन होता है, आज डॉक्यूमेंटेशन है तो कल की डेट में उसको मेंटेन करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली उसे अपग्रेड करना पड़ता है। अगर वो अपग्रेड नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिटरमाइन करना। तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें क्या लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्टिमम डॉक्यूमेंटेशन होना है, प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, और कई बार क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन की बेनिफिट से। तो बेनिफिट्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन प्राइमरी फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये प्राइमरी फंक्शंस जो हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्विजिशन और मेंटेनेंस के लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होनी चाहिए, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए होनी चाहिए, फिजिकल और लॉजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है और फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, इसके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, टाइम रिपोर्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इन सब का डॉक्यूमेंटेशन अगर है तो ऑडिटर उनको देखकर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस तरह से काम करना चाहिए एक आइडिया ले लेगा, और फिर वो ऑडिट कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए हुए हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हम को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स ये डिटरमाइन करते हैं कि विभिन्न प्रकार की IT एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन में किस किस तरह के डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस देते हैं और यूज़फुल होते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाने में ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्हें एडहेयर कराने में कि लोग जो हैं उन्हें फॉलो करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन आपने बना दिया, लोग फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और एक्टिविटी के, आपके पास एक स्टैंडर्ड हो जाता है, उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार आप जो है ऑडिट कर सकते हैं। तो हमारी स्टडी में ये दिया हुआ है कि SDLC प्रोसेसेस में क्या डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहले प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और वो कंसर्न्ड स्टाफ को कम्युनिकेट होना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन है। SDLC की मेथडोलॉजी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि भाई ये SDLC की मेथडोलॉजी है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार की SDL की मेथडोलॉजी होती है, एक SDLC होती है उसमें अलग अलग मेथडोलॉजीज होती हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो भी मेथडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस भी स्टेप में है, तो वहाँ पर उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। या अगर हम डिफरेंट मेथडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं सिस्टम की, जैसे एजाइल डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। हमने ये पढ़ा था कि क्यों हम दूसरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं हम SDLC मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, एक लॉग बनना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके अलावा जैसे SDLC है तो उसमें टेस्ट रिक्वायरमेंट, वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर हम कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन हमें हेल्प करेगा। इसके बाद हमारी स्टडी फाइनली IT मैनेजमेंट को किस तरह से ऑडिट करें इसके बारे में बताती है। तो अगर IT मैनेजमेंट को ऑडिट करना है, IT सही तरीके से मैनेज हो रही है, तो डिफरेंट प्रस्पेक्टिव से हम ऑडिट कर सकते हैं। क्वालिटी के प्रस्पेक्टिव, कंप्लायंस के प्रस्पेक्टिव, सिक्योरिटी के प्रस्पेक्टिव से कर सकते हैं। कंप्लायंस के प्रस्पेक्टिव से हम देख सकते हैं लीगल और लोकल लॉस कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्वालिटी के प्रस्पेक्टिव से हम ये देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। सिक्योरिटी के प्रस्पेक्टिव से हम देख सकते हैं कि रीजनेबल लेवल की सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है उसी उस जो भी हमारा ऑडिट ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरीके से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे। उसी तरीके से हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को ऑडिट करेंगे कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी प्रोसेस से हम ये देखेंगे, सिक्योरिटी प्रस्पेक्टिव से हम ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। इसी तरह क्वालिटी प्रस्पेक्टिव से हम ये देखेंगे वहाँ पर क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। जैसे क्वालिटी प्रस्पेक्टिव से कॉस्ट इफेक्टिव प्रस्पेक्टिव से बजट्स होने चाहिए, सिक्योरिटी प्रस्पेक्टिव से फिजिकल और एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। तो हम ये देखेंगे और डॉक्यूमेंटेशन निकाल कर बेंचमार्किंग करेंगे, स्टैंडर्ड्स के अनुसार बेंचमार्किंग करेंगे, स्टैंडर्ड IT प्रैक्टिसेस के अनुसार बेंचमार्किंग करेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, अगर हम IT मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का ऑडिट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये है कि मैनेजमेंट को हम रीजनेबल एश्योरेंस दें कि भाई जो IT मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर रही हैं। हर उसमें आप ये देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कोई भी चीज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट आउट होनी चाहिए, और जहाँ सिग्निफिकेंट कंट्रोल वीकनेसेस हैं तो उसके लिए काउंटर एक्टिव कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, काउंटर कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो बेसिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले IT मैनेजमेंट की अगर आपको ऑडिट करने के लिए दिया जाए, मतलब IT सही तरीके से मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव और स्कोप आइडेंटिफाई करोगे कि इस आपको क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव और स्कोप दिया गया। फिर स्ट्रेटेजी आप डिटरमाइन करोगे कि जो गाइडलाइंस कौन सी फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। उसके बाद आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखोगे, जो उनको आइडेंटिफाई करोगे जिसको ऑडिट करना है। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स देखोगे कि क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद रिस्क देखोगे कि रिलेवेंट रिस्क क्या है पर्टिकुलर IT प्रोसेसेस में। उसके बाद मैनेजमेंट गाइडलाइंस और बेंचमार्क देखोगे, उन बेंचमार्क के अगेंस्ट ऑडिट करोगे। फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, प्रोसीजर्स बनाओगे, चेकलिस्ट बनाओगे। फिर उसके बाद ऑडिट परफॉर्म करोगे, कंट्रोल वीकनेसेस देखोगे, गैप्स देखोगे। उसके बाद आप ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे, डिस्कस करोगे ऑडिटी के साथ, और फाइनल रिपोर्ट देके बना के मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट को दोगे। तो इस तरीके से आप ऑडिट करोगे IT मैनेजमेंट का। तो बेसिकली ये चैप्टर था इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इस चैप्टर में हमारी स्टडी ने एक प्रस्पेक्टिव देने की कोशिश की, एक समझ देने की कोशिश की कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का ऑडिट किस तरीके से करोगे, और उससे क्या होगा कि कई बार वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, IT बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी और दूसरे एस्पेक्ट्स को, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो उसके अलावा अगर मान लीजिए छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं और इन प्रस्पेक्टिव को ध्यान में रखकर ऑडिट कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप वैल्यू एड कर सकते हो, कई बहुत से वैल्यूएडेशन आप ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो। थैंक्स।